देखो हनुमान कमल चक्र ऊर्ध रेखा हनुमत ने दृश्य अनोखा देखा। दिव्य चरणों में वो चिन्ह समाए सब सृष्टि जिनसे जीवन पाए। पाया हनुमत ने ज्ञान का सार प्रभु चरणों में जग का आधार। जो प्रभु राम के चरण निहारे तज क्रोध हनुमत भक्ति विचारे। गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। जिनके मन में राम बसे जिनके तन में राम रचे उन हनुमान को आज पद्मचक्र आदि समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री रामचरण की साक्षात दर्शन हो ही गए। रावण चरण दर्शन कर लेता तो उसके भी भाग्य द्वार खुल जाते। जय श्री राम। प्रणाम महादेव।
पुत्र हनुमान, तुमने समस्त ग्रहों को मुक्त करा के संसार पर आई प्रलय के संकट का मोचन कर दिया है। तुम्हारी सदा जय। संकट मोचन हनुमान, तुम्हारी कीर्ति युगो युगांतर तक बनी रहे। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय। श्री राम, समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम चरणों की छटा निराली, जिसने भी इनके दर्शन किए वो तो भव सागर से तर गया। नारायण नारायण। श्री राम के चरण दर्शनों की ऐसी महिमा कि हनुमान का रौद्र रूप सौम्य हो गया। प्रिय शंख, चक्र, गदा, कमल, सूर्य, चंद्र, धनुष आदि जैसे अनेक शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम के चरणों की महिमा का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के पश्चात भी ऋषि मुनियों के लिए उन श्री चरणों की एक झलक भी दिखाई देना दुर्लभ है। महादेव शिव भी उन श्री चरणों के दर्शन के लिए कैलाश छोड़कर अयोध्या तक पधारे थे। प्रकृति और पुरुष तत्वों से युक्त अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान करने वाले उन श्री चरणों का ध्यान सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, महादेव सहित देवता एवं देवियां सदैव करते हैं। ऐसे श्री चरणों के दर्शन पाकर तो हनुमान की उग्रता समाप्त होनी ही थी। हनुमान को श्री राम क्या मिले, मानो सारा संसार मिल गया। अब जैसे उन्हें कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। मेरे अंतर मन में बसने वाले श्री राम। महाराज केसरी, मतंग ऋषि आप? आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज के। महाराज के आपके पुत्र युवराज हनुमान के प्रयासों से प्रलय का संकट समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ है नौग्रह शांत हो गए। सुनिए, युवराज हनुमान ने पुनः संसार पर आए हुए संकट का मोचन कर लिया है। युवराज हनुमान की जय। 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 भक्त को भगवान के चरण मिल जाएं तो संसार को ही नहीं स्वयं को भी भूल जाता है। ऐसी ही होती है श्रेष्ठ भक्त की श्रेष्ठ भक्ति। नारायण नारायण।
संसार को रक्षित करने के पश्चात अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान। जाओ हनुमान, अब अपनी माँ के पास जाओ। जय श्री राम, जय भोले बाबा। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहाँ कहीं भी हो शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। माँ, आपकी दी हुई सी के अनुसार मैंने पहले संसार को बचाया है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ माँ। हनुमान, तुमने संसार को प्रलय से बचा लिया। ये सब सुनकर हमारा भय और भी बढ़ गया राजमाता। रावण के होते हुए रावण की महारानी को भय असंभव। महाराज, महाराज, ये क्या हुआ है आपको? दास, आप शीघ्र जाकर राज वैद्य जी को बुला कर लाइए। जी महारानी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारे पिता को उचित समय पर भेज दिया, अन्यथा उचित नहीं, उचित नहीं, अनुचित समय का ये माते अनुचित। यदि आज पिताश्री वहां नहीं पहुंचते तो महादेव युद्ध रोकने नहीं आते, और यदि मेरे प्रभु युद्ध रोकने के लिए नहीं आते तो या तो मैं उस वानर का वध कर देता, या तो वह वानर मेरा वध कर देता, मेरा वध। मेरा सुरक्षा कवच भी तोड़ दिया। मेरा सुरक्षा कवच। अपनी इस क्रोध की ज्वाला को अपने हृदय में दबा के रखो दशानंद, ये बाद में तुम्हारे काम आएगी। मैं आप सबको बताता हूं हनुमान ने ये सब कैसे किया। और इस प्रकार हनुमान ने बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करते और बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाते हुए अंततः अपने अभियान पर सफलता पा ली, और उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अपने नियत मार्ग पर स्थापित करके समूची संसार को प्रलय के अंधकार में डूबने से बचा लिया। अंजना,
सुना हमारे पुत्र हनुमान का पराक्रम? ये सब तुम्हारी दी हुई सीख और संस्कारों का परिणाम है। अंजना, मातंग ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे तो पहचान ही लिया होगा इन्होंने। अब न जाने क्या होने वाला है। भगवान, अवश्य ही इन्हें मार्जरिका के बारे में ज्ञात हो गया है। देवी अंजना, महाराज के आपका पुत्र हनुमान वो सूर्य है जो सबके जीवन के ही नहीं बल्कि मन के अंधकार को भी दूर करके अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है। महाराज के अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। आप उनके स्वागत का प्रबंध करें। ये ऋषिवर मतंग किस लक्ष्मी की बात कर रहे थे? मेरी गृह लक्ष्मी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ ही है। कुछ मन में अंधकार की बात कह रहे थे। ऐसा कौन सा मन का अंधकार है जो मन में छाया है? महाराज के हमारा यहां आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। आप सभी का कल्याण हो। अंजना, कुछ गूढ़ संकेत था उनके कथन में। केसरी जी, वो सब छोड़िए, हमारा महाबली पुत्र हनुमान लौटने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। सारे संसार को प्रलय से बचाने वाले का स्वागत भव्य होना चाहिए ना? हाँ माँ, हनुमान के भव्य स्वागत की व्यवस्था करते हैं। चलिए। हाँ चलिए। हाँ चलिए। हाँ चलिए। हाँ चलिए। हाँ चलिए। तो मेरा भेद खुल जाता। ऋषिवर सब सच्चाई जानते थे। ऋषिवर से कुछ नहीं छुप सकता है। किंतु मार्जरिका, जब कीचड़ में कमल खिलता है तो कमल की पवित्रता देखी जाती है। कीचड़ की कलुष को कोई नहीं देखता है पुत्री। मां, आपने मुझे पुत्री कहकर बहुत बड़ा सम्मान दिया। हनुमान को दिया वचन मैंने निभा दिया। अब और विलंब ना हो
उससे पहले मुझे स्वयं जाकर महाराज केसरी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। उन्हें और अंधेरे में रखना उचित नहीं। न जाने क्या परिणाम होगा इसका। देखो कोई आ रहा है हमारे स्वर्ग के द्वार की ओर। इसकी गति देखकर तो लगता है कि ये कोई माया भी है। सावधान हो जाओ, वो आगे ना आ पाए। देखो कोई आ रहा है हमारे स्वर्ग के द्वार की ओर। इसकी गति देखकर तो लगता है कि ये कोई माया भी है। सावधान हो जाओ, वो आगे ना आ पाए। रुको, निकट आने दो उसे। देखे तो ये कौन तो साहस कर रहा है। रुक जाओ, ये स्वर्ग का दिव्य द्वार है। तो ये है स्वर्ग का दिव्य द्वार। यहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरा स्वर्ग में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? मेरे मृत्यु के सारे बाण जिन्हें मैं मृत्यु की देवी से छीन के लाया था। किंतु उस नारायण के नर के अवतार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं? उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा? और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं?
भयभीत हो गए हम। रावण अपनी ही परछाई से भयभीत हो गया। भी स्वयं हमसे भयभीत हो जाता है। रावण है हम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हनुमान हूँ। वहाँ अंदर स्वर्ग में मेरी माता अंजना, मुझे उनके ही पास जाना है। मेरी चेतावनी के बाद भी तुम आगे बढ़े, अब तुम स्वर्ग के इस दिव्य सुरक्षा द्वार में फंस चुके हो। अब तुम ना तो स्वर्ग की ओर बढ़ पाओगे और ना ही धरती पर वापस लौट पाओगे। और जब तुम ये दरवाजा ही नहीं पार कर पाओगे तो अपनी माता से कैसे मिलोगे? ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता, मुझे कुछ करना होगा। स्वर्ग और धरती के मध्य फंस चुके हो बालक, ये द्वार ऐसे नहीं खुलेगा। बालक, क्योंकि आगे ऐसे दो द्वार और, यदि तुम ज्ञानी एक पवित्र आत्मा, तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक सरिता आए जो अपने साथ कई कठिन परिस्थितियां लेकर आए। तुम्हें उनका सामना करते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका उत्तर देना होगा। यदि तुम्हारा उत्तर उचित हुआ, स्वर्ग की ओर का एक द्वार खुल जाए, और यदि तुम्हारा एक भी उत्तर अनुचित हुआ, तो जो द्वार खुलेगा उसमें तुम अपने परिवर्तित रूप में त्रिशंकु की भांति सदा के लिए अधर्म में लटके रहोगे। कब आएगा हनुमान मेरी अंजना को लेकर?
मिलेगा मुझे अंजना के हाथों का पहले जैसा भोजन। ये क्या, केसी जी को अंजना का भेद कैसे ज्ञात हो गया? ये तो अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? हनुमान क्या गया अंजना, तुम तो जैसे भोजन पकाना ही भूल गई। तुम्हारे हाथ के भोजन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान यहां नहीं, हनुमान के साथ ही है। अब जब वो आएगा तभी मेरी अंजना वापस आएगी। हे महादेव, अब हनुमान किस उलझन में फंसा है, उसकी सहायता कीजिए प्रभु, जिससे कि वो शीघ्र यहाँ लौट सके, अन्यथा कोई अनर्थ ना हो जाए। कहाँ रह गए हो हनुमान, शीघ्र आ जाओ पुत्र। अच्छा तो पूछिए, क्या प्रश्न है आपके? वो कौन है जो पूरी सृष्टि में त्रिदेवों से भी महान है? ये पाषाण में परिवर्तित कर देने वाली शिला सरिता, यदि तुमने उचित समय पर उत्तर नहीं दिया तो ये तुम्हें अपनी शिला में परिवर्तित कर देगी। और इसका उदाहरण तो तुम अपने आसपास देख ही सकते हो। उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं शिला बन गया तो मां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वो कौन है जो पूरी सृष्टि में त्रिदेवों से भी महान? माँ त्रिदेवों से भी महान होती हैं। यदि माँ नहीं होती तो ये सृष्टि भी नहीं होती। माँ ही त्रिदेवों की आदि शक्ति है। ये कहां भागती हुई जा रही है? रुको दासी।
ये इतनी शीघ्रता से कहाँ भागी जा रही है? द्वार से सूचना आई है कि कोई वानर बालक स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। देवराज स्वर्ग से बाहर है, इसीलिए महारानी शची को सूचना देने जा रहे हैं। अवश्य ही यह वानर बालक कोई और नहीं, हनुमान ही होगा। यदि वो यहाँ आ गया तो अपनी माता अंजना को यहाँ से लेकर ही जाएगा। मुझे उसे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना होगा। इतना आसान नहीं है। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो वानर बालक, बताओ स्वर्ग कहाँ है? ये घुलन सरिता है, तुम जितना विलंब करोगे उत्तर देने में उतनी ही तुम्हारी देह इस सरिता के जल में घुलती चली जाएगी। स्वर्ग? स्वर्ग तो सामने ही है, फिर ये कैसा प्रश्न है? अवश्य ही इस प्रश्न में कुछ गूढ़ अर्थ है। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो वानर बालक, बताओ स्वर्ग कहाँ है? सूर्य प्रकोप हनुमत पर छाया, विकट प्रश्न से मन भर माया। हनुमत अब करते विचार, कैसे करें ये बाधा पार। यदि शीघ्र उत्तर नहीं दिया तो इसी सरिता में समा जाओगे। चरणों में ही होता है। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मात्र भक्ति ने योगि सुझाई, भुलन सरिता से मुक्ति पाई। हनुमत हृदय में सच्ची निष्ठा, रोक सके ना कोई विपदा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम्हारा सामना होगा धूम्र सरिता से। यदि उचित समय में तुमने उत्तर नहीं दिया तो धूम्र सरिता के प्रभाव से तुम स्वयं धुआं बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाओगे। तो पूछिए प्रश्न।
परिणाम कोई भी हो, मैं माँ से मिलने के लिए, किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, ध्यान क्या है? तो एक बालक के लिए बड़ा ही कठिन प्रश्न है, किंतु कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। पूर्णतया सोच समझकर उत्तर देना हनुमान, इसी उत्तर पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। अब तुम पीछे भी नहीं हट पाओगे। एक अनुचित उत्तर मुझे मेरी माँ से दूर कर देगा। क्या करूँ? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? ओहो, उत्तर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये द्वार, यदि ये खुल गया तो मुझे धुएं में परिवर्तित करके ना जाने कहाँ उड़ा देगा। मन को एकाग्र करना होगा। माँ के अतिरिक्त तो मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर कैसे सोचूं? तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, ध्यान क्या है? उत्तर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये द्वार, यदि ये खुल गया तो मुझे धुएं में परिवर्तित करके ना जाने कहाँ उड़ा देगा। मन को एकाग्र करना होगा। एकाग्र बताओ बालक, ध्यान क्या है? ये लो, आज तुम्हें खेलने जाने की अनुमति के लिए, जब तुम ये सारे मोती को इस धागे में पिरोकर माला बनानी होगी। बस इतना सरल कार्य मैं अभी कर लूंगा। माँ, मैंने पिरो दिया। और ये भी, और ये। शीघ्र आओ मेरे हनुमान, हाँ आ रहा हूँ।
वापस बनाऊंगा। ओहो, पिरो पा रहा हूं मैं अब। अब बस हो गया माँ, ये लीजिए, अब मुझे जाने दीजिए, मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पहले ये छोटा सा कार्य पूरा करके दिखाओ। नहीं माँ, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। पुत्र हनुमान, सारे कार्य बल और स्फूर्ति से नहीं होते, कुछ कार्यों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान? ये ध्यान क्या होता है माँ? ध्यान? ध्यान एकाग्रता की चरम सीमा होती है। जब तुम सारी ओर से अपना मन हटाकर धागे और मनको के छिद्र में अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दोगे, तब तुम इस माला को पिरोने में अवश्य सफल हो जाओगे। अच्छा, तो इसे कहते हैं ध्यान। हाँ पुत्र, एकाग्रता के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं। ऋषि मुनि भी एकाग्र होकर ध्यान लगाते हैं, तभी वे भी अपनी साधना में सफल हो पाते हैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, घन संकट में है जीवन, हनुमत करते माँ का चिंतन। सहजता से पाठ सिखाया, ध्यान का सच्चा अर्थ बताया। लगता है इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है बालक हनुमान। जब मन एकाग्र होकर समस्त इंद्रियों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दे, उसे ही कहते हैं ध्यान। उत्तम, अति उत्तम। सद्बुद्धि से जीती चुनौती, माँ वचनों की अद्भुत शक्ति। शिथिल पड़ गया धूम्र कवार, खुला स्वर्ग का अंतिम द्वार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय। अरे वाह, ये तो सचमुच स्वप्न लोक जैसा लग रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान यही कहीं है? मेरा
सदैव उसी के ध्यान में खोई रहती हूँ ना। क्या हो गया है मुझे? हनुमान यहाँ कैसे आ सकता है, वो भी बिना इंद्रदेव की अनुमति के? सुंदर तितलियां और इंद्रधनुष भी। क्या तुम्हें स्वर्ग के नियम स्मरण नहीं? देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में बिना आमंत्रण किसी भी प्राणी को स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही उसने सारे प्रश्नों के उत्तर उचित दिए। वहीं रोको उसे, देवराज के लौटने तक वो स्वर्ग लोक में नहीं आना चाहिए। रुक जाओ हनुमान। अभी भी तुम्हें स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु क्यों? मैंने तो सारे प्रश्नों के उचित उत्तर दिए हैं। बालक, देवराज इंद्र अभी स्वर्ग में नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में किसी भी बाहरी प्राणी के लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खोले जा सकते। किंतु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे मेरी माँ से मिलना है और मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी चेतावनी के बाद भी अगर तुम आगे बढ़े तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। हमें तुम प्रहार करने पर विवश कर रहे हो हनुमान। देखिए, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, माँ से मिलने आया हूँ। और कोई भी शक्ति मुझे माँ से मिलने से नहीं रोक सकती। रुक जाओ। द्वारपाल, इस महान बालक ने देवों के लिए बड़े बड़े कार्य किए, इसे स्वर्ग में आने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसे प्रवेश की अनुमति मैं देती हूँ। हनुमान आओ, खुद स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत। धन्यवाद।
मुझे पहले तो कभी इतनी व्याकुलता नहीं हुई। न जाने क्यों कुछ तो है जो बार बार मुझे हनुमान की ओर खींच रहा। मेरे लिए उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे। कदाचित इसीलिए मुझे बार बार लग रहा कि मेरा हनुमान यही कहीं मेरे समीप ही है। तुमने बहुत ही उत्तम उत्तर दिए हनुमान। अच्छा द्वारपाल जी, क्या आप बता सकते हैं मेरी माता देवी अंजना कहाँ है? आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही लेकर जा रही हूँ। रुक जाइए महारानी शची। क्षमा करें, स्वर्ग के नियमों के अनुसार अप्सराओं को अपने सारे संबंध तोड़ मात्र अप्सरा धर्म का पालन करना होता है। दीदी, यदि हनुमान अपनी माता से मिलेगा तो यह नियमों का उल्लंघन होगा महारानी। उर्वशी, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो देवता भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसे इसकी माता से मिलने से रोका नहीं जा सकता। हनुमान कुछ भी कर ले, किंतु मैं इसे अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं महारानी जी। महारानी, अप्सरा धाम की प्रमुख मैं, इसलिए यदि हनुमान को अंजना से मिलवाना ही है तो ये कार्य आप मुझे सौंप, मैं ले जाऊंगी हनुमान को अंजना। ठीक है, तुम लेकर जाओ इसे इसकी माँ के पास। चलो हनुमान। हाँ, प्रणाम महारानी। आओ मेरे साथ। चलिए। माँ से मिलवाने लाई थी ना? माँ से ही तो मिलवा रही हूँ महारानी। हनुमान की परीक्षा ले रही हो? इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधान अप्सरा हूँ महारानी। यदि किसी को भी किसी अप्सरा से मिलना है तो उसे परीक्षा तो देनी ही होगी ना, अन्यथा तो कोई भी किसी अप्सरा से मिलने चलाएगा। हनुमान, ठीक से दर्शन कर लो अपनी माँ, और यदि तुमने इनमें से अपनी वास्तविक माता को पहचान लिया तभी तुम्हें अपनी माँ से मिलने का अवसर मिलेगा, अन्यथा तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? मुझे तो वैसे भी हर क्षण हर ओर मेरी माँ ही दिखाई देती है। मैं अवश्य पहचान लूंगा उन्हें। ठीक, पहचान लो। यदि तुमने अपनी माँ को पहचानने में भूल की तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा मात्र प्रेम मिथ्या है और तुम्हें अपनी माता की कोई आवश्यकता नहीं।
माँ, ये वाली है। इनमें से सब मेरी माँ के ही स्वरूप में है। अब कौन सी मेरी माँ है? स्वरूप में तो है, किंतु इनमें से कोई भी मेरी माँ नहीं है और ना ही किसी और की भी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इनमें से कोई तुम्हारी माता नहीं? माँ माँ होती है अपने पुत्र की करुण पुकार पर। माँ एक पल भी नहीं रुक सकती है, वो तड़प उठती मुझे हृदय से लगाने के लिए। मेरे इतने पुकारने पर वो यहाँ से इतने दूर चुपचाप खड़ी नहीं रहती। किंतु तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये किसी और की भी माता नहीं? माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है। उनका हृदय कोमल होता है। जिस प्रकार मुझे सब स्त्रियों में माँ की ही छवि दिखाई देती है, उसी प्रकार माँ होती है। पुत्र की करुण पुकार पड़ने पर वो द्रवित हो जाती है, किंतु इनमें से किसी का मन द्रवित होना तो दूर, कोई हलचल भी नहीं हो रही है। ये तो भाव शून्य ही रही, और माँ कभी भाव शून्य नहीं हो सकते। उर्वशी, अब तो हनुमान तुम्हारी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया ना, अब तो इसे इसकी माँ के पास जाने दो। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। आओ। ये पदचलन की ध्वनि क्या मेरे पुत्र की है? ये क्या हो रहा है मुझे? देविका, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा पुत्र हनुमान मेरे समीप ही कहीं है? मुझे तो उसके पदचालन की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपका हनुमान यहाँ स्वर्ग में आ चुका है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में। ये स्वप्न तो नहीं है? नहीं, ये स्वप्न नहीं, ये सत्य है। किंतु क्या? किंतु ऐसा लग रहा है कि उर्वशी उसे आपसे मिलने ही नहीं देंगी। माँ और पुत्र के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। Oh,
कैसा सुंदर पावन मिलन, देख जिसे भर आए नयन। मिले हनुमत को माँ के दर्शन, भावुक हो गए केसरी नंदन। माता का भी मन भर आया, पुत्र को अपने हृदय लगाया। मातृ हृदय है प्रेम सागर, हर्षित है हनुमत उसे पाकर। गाथा बाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बताए नहीं आना चाहती, पर बता नहीं पाई। मुझे ऐसा मत कहिए। अब मैं आ गया हूं ना, आपको यहां से लेकर ही जाऊंगा। आप चलेंगी ना माँ? बताइए ना माँ। अंजना, तुम्हें ले जाने के लिए हनुमान यहाँ तक आ गया है। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ चली जाओ। किंतु अंजना यहां से ऐसे वापस नहीं जा सकती। ये स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होगा। मैं प्रधान अप्सरा उर्वशी स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध जाकर अंजना को यहां से जाने की अनुमति तो नहीं दे सकती।
ऐसा क्यों कह रही हैं मौसी जी? अनुमति दे दीजिए ना। आपकी ही अनुमति से मैं माँ को यहाँ से ले जाऊंगा। इसकी अनुमति मैं कभी नहीं दूंगी हनुमान। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उर्वशी? क्योंकि अंजना अंजना नहीं, कुंजिक स्थला है, स्वर्ग की अप्सरा, जो श्राप से भी बंधी है और अप्सरा धर्म से भी। और अप्सरा धर्म के नियमों के विरुद्ध मैं किसी को नहीं जाने। देवराज के अतिरिक्त ये अनुमति कोई नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो मैं देवराज इंद्र से ही अनुमति ले लूंगा। वे इस समय स्वर्ग लोक से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूंगा। जब वो वापस लौट कर आएंगे। तब मैं उनसे अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। और तब तक मैं माँ के साथ ही रहूंगा। ये स्वर्ग है और नियमों के अनुसार कोई भी अप्सराओं के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें भी अपनी माँ से अलग रहना होगा। कोई बात नहीं, मन में संतुष्टि तो रहेगी ना कि मैं माँ के आसपास ही हूँ, तो मैं कहीं भी रह लूंगा और कितने दिन भी रह लूंगा। कितने भी दिन? क्या स्वर्ग की एक मर्यादा है, मृत्यु और सदगति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। तुम भी यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह पाओगे। किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही नियम है, 5 दिन पश्चात स्वर्ग की अद्भुत दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी। फिर चाह कर भी तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मौसी जी, 5 दिन भी कम नहीं होते। मैं इन 5 दिनों में देवराज से अनुमति लेकर माँ को अपने साथ लेकर अवश्य जाऊंगा। मैंने उचित कहा ना माँ? बताइए ना माँ, मैंने उचित कहा ना? इन 5 दिनों में मैं देवराज से अनुमति लेकर आपको यहाँ से ले ही जाऊंगा। लौट जाओ हनुमान, अब मेरा यहाँ से वापस जाना असंभव है। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा आपके साथ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ हनुमान, स्वर्ग में कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों ना। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी, स्वर्ग के नियमों को बता रही, और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक।
कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों ना हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी जी, स्वर्ग के नियमों को बता रही, और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ये बालक बिना आमंत्रण स्वर्ग लोक में आया है, यदि ये यहां रहेगा तो पुंजिक स्थला के साथ में अतिथि गृह में इसके रहने की व्यवस्था की जाए। नहीं, मैं माँ के पास ही रहूंगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, माँ, आप मौसी जी से कहिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हट मत करो पुत्र, तुम माँ के साथ नहीं रह सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। स्वर्ग के नियमों का पालन करो, जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। ये हट है तुम्हारा, इसके लिए तुम्हें देवराज के दरबार में प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। चल। हनुमान। देवराज के आने तक कुछ नहीं किया जा सकता अंजना। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्या बात, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवराज इंद्र, स्वर्ग लोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। स्वर्गलोक में प्रतिपल लोग मेरी प्रतीक्षा करते ही रहते हैं। यदि इस बार भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो इसमें नवीन क्या है? स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। रावत, बात क्या है, तुम भी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। देवराज इंद्र, जब अपने प्रतीक्षा कर रहे हो तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। प्रणाम देवर्षि। रावत, अगले 5 दिनों तक तुम्हें यही रहना। मौसी जी। मुझे माँ के पास जाने दीजिए ना मौसी जी। आप कैसे एक पुत्र और माँ को दूर कर सकती हैं मौसी जी? पहली बात, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, और दूसरी, यदि तुमने यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया तो तुम ही नहीं, तुम्हारी माता भी संकट में पड़ सकती है। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि देवराज कब लौटेंगे, मैं उनसे अनुमति लेकर
शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा, वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो तुम अभी चलो शिक्षण वापस लौट जाओ, क्योंकि 5 दिन पश्चात तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं तो देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देगा, क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुँचने ही नहीं दूंगी और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है।